अब देखो दोस्तों, ये है 15,000 रुपये की वॉच, ठीक है, और ये है 3,000 रुपये की वॉच, और मैंने तो इसे 2200 रुपये में खरीदा था बोट एक्शन को। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दोस्तों आज हमारे पास है वन प्लस वॉच जो कि है 15,000 रुपये की, ठीक है, ये 15,000 रुपये की आती है और ये है बोट एक्सटेंड। ये बहुत फेमस वॉच है अगर देखा जाए, क्योंकि ये बजट सेगमेंट में आप कह सकते हो किंग था। इसका जो प्राइस है वो 2500-3000 रुपये तक में आपको मिल जाती है। दोस्तों आज हम देखेंगे सेंसर टेस्ट, इसका है ब्लड ऑक्सीजन, देखेंगे हम कैसे काम करता है। मैंने यहाँ पे लगा दिया है और साथ ही साथ अब वन प्लस में सेट कर रहा हूँ, तो हम देखेंगे कि सस्ते और महंगे स्मार्ट वॉच में क्या अंतर होता है। इसे थोड़ा ऊपर करके रखना पड़ता है दोस्तों, 1 सेंटीमीटर ऊपर रखना होता है। इसे आप चिपका सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो देख रहे हो यूआई में देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा मस्त सा लग रहा है, ठीक है। यहाँ हमारा बोट एक्सटेंड ने बता दिया 97% है आपका SPO2, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पे SPO2 कितना बताता है। अब ये थोड़ा टाइम ले रहा है, माना कि ये मैंने पहले ऑन कर दिया था, बट ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है। अब ये 98 और देखो दोस्तों 97, 98, देखो, मतलब ये सस्ती वॉच है दोस्तों और ये महंगी वॉच है, 15,000 रुपये की आती है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और फिर भी देखो, मतलब सस्ते वॉच ने भी हमें सेंसर अच्छा दिया है। इस वीडियो का मकसद ही यही है कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो सस्ते वॉचेस आते हैं क्या उसमें मतलब सेंसर वगैरह ज़्यादा बहुत बेटर आते हैं, अब या फिर ऐसे लोकल टाइप के होते हैं। तो देखो अब मैं एक चीज़ और देख लेता हूँ, हार्ट रेट सेंसर, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। मैंने इसका ऑन कर दिया हार्ट रेट सेंसर, इसमें जाते हैं हम, दोनों में कर दिया और दोनों में साथ ही कर रहा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों। तो अब हार्ट रेट भी देख लेते हैं किसका कितना ज़्यादा आता है। यहाँ देखो 88 दिखा दिया, बोट बहुत पहले कर रहा है काम, ये तो बहुत अच्छी बात है। 94 दिखा रहा है, अच्छा यहाँ बोट अब चेंजेस कर रहा है अपने हिसाब से। 91, 92, 93, 96 वहाँ पे आ रहा है, 95 और यहाँ पे 95 पे डन कर दिया है, 94 मतलब हाँ ये लग रहा है सेटअप चेंजेस होते रहते हैं। बट देखो अगर यहाँ 96, 85 हो गए तो ये चेंजेस वेरी करते रहते हैं जैसे भी, लेकिन देखा जाए ना तो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि ये 50-60 दिखा रहा है, आप देख रहे होंगे खुद भी, अगर ये 80 की लाइन में है तो ये बोट भी हमारा 80 की लाइन में ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हार्ट रेट था दोस्तों। अब देखो ब्लड ऑक्सीजन और हमने हार्ट रेट तो नाप लिया है, अब स्ट्रेस का भी देख लेते हैं, स्ट्रेस कैसे काम करता है। तो इसे थोड़ा सा ऊपर करना पड़ता है, ऐसे थोड़ा ऊपर रखना होता है इस वॉच को, अगर आप बिल्कुल स्किन से चिपका के करेंगे ना तो काम नहीं करेगा। और बोट में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बोट का आप कहीं भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इस वीडियो का मकसद ही यही है, मैं भी देखना चाहता हूँ दोस्तों वीडियो, और मैं चाहता हूँ आप भी जान लें कि ऐसा सस्ता और महंगे वॉच में कितना डिफरेंस आता है, बस वही मोटिव है इस वीडियो का। अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें यार, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखो स्टार्ट हो रही है, हो रही है, यहाँ पे आ गया नॉर्मल, ठीक है, और अभी वन प्लस का अभी आया नहीं है, अभी चल रहा है और देखते हैं। यार इसमें यही प्रॉब्लम होती है वन प्लस में कि बार बार वो कहता है कि आप थोड़ा सा ऊपर करके पहनो, थोड़ा सा ऊपर करके पहनो। अब दोबारा जाता हूँ, दोबारा करता हूँ, हाँ देख लेते हैं, इस बार मैंने थोड़ा और टाइट कर दिया है, ठीक है। बोट में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, पर वन प्लस में ये हो रही है, मैंने टाइट कर दिया है, ठीक है, देख लेते हैं कैसा हो रहा है, क्या होगा। पैसा बर्बाद बहन चोद। अब एक बार और कर रहे हैं हम, क्योंकि जब हमने उसे पहना हुआ था तब ये ले नहीं रहा था, अब देख लेते हैं। बोट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है मेरे को, ठीक है, वो कैसे भी पहन लो वो बता देता है सही सही, ठीक है। और अब देख लेते हैं वन प्लस इस बार काम करता है नहीं। तो देखो नॉर्मल दिखा रहा है दोस्तों जो हमने करा है, हम एक बार और कर लेते हैं, ठीक है, हमने 3 बार कर लिया है और तीनों बार नॉर्मल दिखा रहा है। बोट में भी वही चीज़ था, नॉर्मल ही दिखा रहा था, इसका मतलब मेरे को अभी कोई स्ट्रेस नहीं हो रही है ना प्रदीप, मैं बिल्कुल कूल हूँ। तो ये भी देख रहे हो आप नॉर्मल ही दिखा रहा है, चलते रहने दे। अब देखो दोस्तों, ये है 15,000 रुपये की वॉच, ठीक है, और ये है 3,000 रुपये की वॉच, और मैंने तो इसे 2200 रुपये में ख़रीदा था बोट एक्सटेंड को। आपको इसमें डिफरेंसेस बहुत सारे हैं देखा जाए, क्योंकि इसमें कॉलिंग नहीं है, ठीक है, इसमें कॉलिंग है, प्लस में आपको यहाँ इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिल जाती है, वो सारी चीज़ है मानता हूँ, लेकिन ये जो मोटिव था ना वीडियो का, वो मोटिव ये था कि सेंसर कैसे वर्क करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वन प्लस ज़्यादा बढ़िया है, कहीं आप इस चीज़ को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बोट बहुत बढ़िया है वन प्लस से, कहीं आप इस चीज़ को देखते हुए वीडियो को डिसलाइक कर दो, ऐसा नहीं है। देखो मैसेज आया
इस पे, तो अभी मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, वन प्लस अपनी जगह बहुत बढ़िया वॉच है, लेकिन सेंसर देखा जाए तो बोट भी कहीं कम नहीं है सेंसर में। इसके भी सेंसर बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यही है वीडियो आज की। अगर आपको पसंद आए लाइक करना, और अगर आपको कोई भी सवाल हो इस दोनों वॉचेस से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।